नमस्कार दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से पैरालिसिस या फिर हेमिप्लेजिया होता है। मगर इसके अगर हम अर्ली साइंस के बारे में समझेंगे तो हम कई हद तक इस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सके हम उनको इलाज करवा करके हम इस कंडीशन को हम अपने काबू में ला सकते हैं। तो ये अर्ली साइंस क्या है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो जो ब्रेन स्ट्रोक के जो अर्ली साइंस है उसको हम लोग एक FAST फास्ट टर्म से हम इसको समझ सकते हैं, जिसमें FAST चार टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें F, जिसमें फेस। तो जब भी अगर किसी यूजली ये ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, ये बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है, जिनका उम्र 55 साल से ज़्यादा है उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। मगर ये किसी को भी हो सकता है 30 साल से 35 साल से ऊपर में, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड शुगर का शिकायत है। हाई ब्लड प्रेशर वालों में ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। तो जब भी अगर कोई किसी को सर दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो और वो बेहोश होकर गिर जाए, तो आप सबसे पहले उसका फेस चेक करेंगे, F4 फेस। फेस में अगर उनको एक तरफ अगर मान लीजिए लिप का ये कॉर्नर है एक तरफ इस तरह से झुक गया है, नाक का ये कॉर्नर है ये थोड़ा सा उस तरफ खिंचा हुआ है, आँख के कॉर्नर्स को आप देखिए थोड़ा सा झुक गया है इस तरह से, उसका मतलब कि फेस में कोई प्रॉब्लम है, फेस में थोड़ा सा पैरालिसिस टाइप का इफेक्ट साइन है ये। और अगर आप ये साइन देखें तो आपको तुरंत शक हो जाना चाहिए कि स्ट्रोक का बीमारी हो सकता है। और उसके बाद फिर आता है ए फॉर आर्म। आप उसके हाथ को चेक करें, आप उनको बोलिए कि आप अपना हाथ को उठा करके देखें, आप उनसे हाथ शेक हैंड करने के लिए बोले, आप उनका हाथ को पकड़ के देखिए, उसको उसका ग्रिप चेक करिए, वो कितना ज़ोर से इसको पकड़ सकता है। अगर ये सब में उसका वीकनेस है, अगर आप उसको बोल रहे हैं कि आप अपना हाथ उठाइए और वो अपना हाथ को उठा नहीं पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हाथ में कुछ कमजोरी है और ये हो सकता है कि ये ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आ गया हो उसको। तो ये आर्म हो गया। उसके बाद एस से हो गया स्पीच। अगर वो होश में है तो आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। अगर वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके जबान लड़खड़ा रहा है, वो ठीक से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक लक्षण है ब्रेन स्ट्रोक के अटैक का। तो ये सब लक्षणों को आप सीरियसली लें। और उसके बाद लास्ट में है ट्रीटमेंट। आप टी फॉर ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हो सके आप उसको ट्रीटमेंट। अगर आप ये तीन साइंस देखते हैं, फेस में उसका वीकनेस है, हैंड में भी वीकनेस है, बोलने में तकलीफ हो रहा है, तो तुरंत आप इमरजेंसी कॉल करिए, एम्बुलेंस को बुलाइए और तुरंत उनको हॉस्पिटल में ले जाइए। और सही समय पे अगर इलाज मिलेगा तो पैरालिसिस का जो अटैक है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आमतौर पे ये किस में पाया जाता है? आमतौर पे ये बुजुर्गों में पाया जाता है और जिनका उम्र 55 साल से ज़्यादा है, मगर ये यंग लोग में भी पाया जा सकता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत है तो आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खास करके ठंड के मौसम में ये केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। और मेरे पास जितने भी स्ट्रोक के पैरालिसिस के केसेस आते हैं, हेमिप्लेजिया के केसेस आते हैं, उसमें मैंने पाया है कि यूजुअली बुजुर्ग लोग सुबह सुबह जब वो बाथरूम करने जाते हैं तो बाथरूम में वो चक्कर खा करके गिर जाते हैं और फिर उनको ये पैरालिटिक अटैक होता है। तो अगर आपके भी घर में इस तरह से कोई चक्कर सर दर्द हुआ, चक्कर खा के गिर गया, बेहोश हो गया, तो आप ये सब साइन देखें और फिर तुरंत उनको मेडिकल हेल्प के लिए ले जाएं। और इसके साथ साथ मैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि ये ब्रेन स्ट्रोक आखिर होता क्या है। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें कि एक होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक और एक होता है हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। तो असल में ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? हमारे ब्रेन का सर्वाइवल के लिए भी वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे जाकर के ब्लड के द्वारा न्यूट्रिशंस प्लस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जिससे हमारा ब्रेन सेल्स जिंदा रहता है। मगर किसी कारणवश मान लीजिए उस ब्लड सप्लाई में किसी प्रकार का कोई बाधा आ जाए तो ब्रेन का वो हिस्सा डेड हो जाता है, धीरे धीरे मर जाता है, जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस अटैक होता है। तो ये ब्रेन में ब्लड सप्लाई में बाधा का दो कारण हो सकते हैं, एक है इस्केमिक अटैक और एक है हेमरेजिक अटैक। सबसे पहले हम इस्केमिक अटैक के बारे में समझना चाहेंगे। देखिए, इस्केमिक अटैक यानी कि हम जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होता है, एक पाइप है जिसके ज़रिए ब्लड पास हो रहा है।
तो मान लीजिए किसी प्रकार का कोई वहाँ पे अंदर में कुछ चीज़ फंस जाए और ब्लड आगे ना बढ़ पाए, तो उसके आगे जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो धीरे धीरे नेक्रोज होना शुरू करते हैं या फिर डेड होना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है किसी ब्लड क्लॉट का टुकड़ा, मान लीजिए ब्लड का कोई क्लॉट है, उसका टुकड़ा अगर जा करके ब्रेन में जा करके बह करके फिर वो नैरो वाला जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे जाके अटक जाए और फिर आपका ब्लड आगे में पास होने ना दे, तो ये एक लोकल भी हो सकता है, या फिर ये हार्ट, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है वहाँ से भी ये ब्लड क्लॉट बह करके हमारे ब्रेन में जाता है लोकली। वहाँ पे मान लीजिए कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया हो जिसकी वजह से वहाँ पे नैरोइंग हो गया हो ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से वहाँ पे जाके ब्लड क्लॉट जा करके अटक गया और वहाँ पे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक होता है। दूसरा एक कारण है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें हमारे ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है वो किसी तरह से रप्चर हो जाता है, फट जाता है और ब्लड आगे नहीं बह पाता है। तो ये यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर वालों को होता है। सडनली मान लीजिए ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई हो जाए तो वहाँ के जो कमज़ोर ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाता है और वहाँ पे ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं बह पाता है और वहाँ पे ब्रेन को सफिशेंट ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये इसका पैथोलॉजी है या फिर इसके पीछे का साइंस है। तो ये सब साइन, जितने भी मैंने तीन साइन बताया FAST, इन साइंस को आप जब भी अपने घर में आप देखें, अपने बुजुर्गों में देखें, तो तुरंत आप मेडिकल हेल्प लें और इससे आप किसी का जान भी बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मान लीजिए पैरालिसिस हो गया भी हो तो उसके बाद क्या क्या फिजियोथेरेपी करना है, क्या क्या स्टेप्स लेना है, इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अपना राय, अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ, इसको जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।